की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे why do pendulum clock go slow in a summer and a fast in winter. मतलब जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है वो समर के टाइम में यानी कि गर्मी के टाइम में स्लो हो जाता है और ठंडा यानी कि विंटर के टाइम में थोड़ा फास्ट चलने लगता है. सबसे पहले समझते हैं पेंडुलम क्लॉक कहते किसको है. पुराने जमाने में जो घड़ी होता था आपने उसमें देखा कुछ नीचे पेंडुलम जैसा घूमता रहता है, ठीक है, तो वो पेंडुलम क्लॉक होता है. उसमें बैटरी नहीं रहता, वो चाबी से चलता है, ठीक है. तो उसमें पेंडुलम जो होता है वो सेकंड का काम करता है. सेकंड जैसे एक ऑसिलेशन हुआ एक सेकंड, दूसरा ऑसिलेशन हुआ दूसरा सेकंड, ओके, उसको पेंडुलम क्लॉक कहते हैं जो पुराने टाइम में होता था. अब उसका हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें क्या खराबी था कि समर के टाइम में थोड़ा यानी कि गर्मी के टाइम में स्लो होता है और विंटर ठंडा के टाइम में थोड़ा फास्ट होता है. क्यों होता है उसको समझते हैं इसके पीछे का साइंस. सबसे पहली बात, ऐसे क्लॉक में क्या लगा रहता है, पेंडुलम लगा रहता है. एक एग्जाम्पल हम लोग घड़ी का बना लें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्लॉक है. इसके नीचे इसमें दो कांटा होगा, मान लीजिए एक मिनट और आवर का होगा एक मिनट का होगा. और इस घड़ी में एक चीज याद रखिए, इसमें जो सेकंड का सुई होता है वो नहीं रहता, इसमें क्या रहता है, इसमें सेकंड के जगह पेंडुलम लगा रहता है, ओके. तो ये पेंडुलम का खासियत क्या है, साइंस कहता है देखिए पेंडुलम एक बार इधर जाएगा फिर पेंडुलम एक बार इधर जाएगा, तो एक ऑसिलेशन में एक सेकंड बनता है. ये जो पेंडुलम देख रहे हैं इसका जो लंबाई है, इसको यहां बना दें, ये पेंडुलम का जो लंबाई दिख रहा है इस ये लेंथ इसके टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय, और ये लंबाई पे डिपेंड करता है. इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √L/g. अगर हम इसको कॉन्स्टेंट हटा कर देखें तो टी इज इक्वल टू रूट अंडर एल, मतलब जितना लेंथ बढ़ेगा इसका लंबाई बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है, ठीक है. अब एग्जाम्पल लेते हैं विंटर और समर का. अगर मेरे पास एक क्लॉक है जिसका पेंडुलम इतना है और हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं, समर की बात कर रहे हैं. समर मतलब गर्मी, गर्मी में टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने से हम लोग क्या पढ़े, थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोई भी चीज गर्म होने के फैलता है. जैसे कि लोहा के बारे में पढ़ेंगे, टीवी तो मेटल का बना होता है, तो थर्मल एक्सपेंशन में इसका लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज. क्या होता है, इंक्रीज. लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, फॉर्मूला पे आ जाते हैं. लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो ये ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने का, ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेशन कंप्लीट होने में तो घड़ी स्लो हो जाएगा. एक चक्कर लगा लो ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो धीरे धीरे फिर चलने लगेगा. ये कारण होता है कि समर के टाइम में पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाता है, स्लो. अब केस का विंटर का लेते हैं, विंटर के केस में क्या होता है, ये रहा एक पेंडुलम इन केस ऑफ विंटर. विंटर के टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. डिक्रीज होने से ये लेंथ क्या होता है, लेंथ भी डिक्रीज होता है. अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो लेंथ डिक्रीज इस फॉर्मूला में आ जाता है, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो कम टाइम में ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, ज्यादा ऑसिलेशन करेगा तो जल्दी जल्दी समय बीतेगा, ठीक है. तो जल्दी जल्दी समय बीतेगा तो क्या होगा, घड़ी आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है. ये कारण हो गया हमारा क्या कि क्यों घड़ी यानी कि पेंडुलम क्लॉक समर के टाइम में स्लो हो जाता है और विंटर के टाइम में फास्ट हो जाता है, ओके.